क्या आप एक ऐसा घर देखना चाहते हो जो सिर्फ चार दीवारों से नहीं आपके सपनों से बना हुआ हो, तो लेके आए हैं आपके लिए लग्जूरियस 3 BHK सैटेलाइट लोकेशन में जोधपुर क्रॉसरोड से ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये 3 BHK रहेगा, काफी स्पेशियस और लग्जरी के साथ साथ काफी सारी यूनिक चीज इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से चलते हैं, देखते हैं ये 3 BHK का सैंपल हाउस। तो चलो चालू करते हैं जोधपुर क्रॉसरोड से। जोधपुर आप ओपन पता नहीं कैसे कर सकते हैं इसका, कुछ इनके हैंडल्स आई थिंक वो जो पुराना ट्रेंड चला था इंस्टाग्राम के अंदर, आ जाओ दिखा दूंगा। स्वागत है आपका 5 कॉर्नर के इस नए वीडियो के अंदर, जहां पर हम आपको दिखाते हैं अफोर्डेबल से लेकर लग्जरी और अपार्टमेंट से लेकर फार्म हाउस, यानी सारी चीजें अहमदाबाद गांधीनगर में आपको दिखाते रहते हैं। तो आज आपके लिए जो 3 BHK का सिंपल हाउस लेकर आया हूँ वो जरूर से अनवील करूंगा, लेकिन अनवील करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो या फिर ये आप वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि आपके लिए वो टोटली फ्री है। हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ये सारी चीज़ें सिंपल हाउस और इंटीरियर डिजाइनिंग सारी चीज़ें आपको दिखाने में। तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। आपको कुछ भी क्वेश्चन हो अहमदाबाद रियल एस्टेट मार्केट के बारे में, इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में, तो ज़रूर से आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो जरूर से हम ट्राई करेंगे आपको आंसर करने का। तो चलते हैं, दिखाता हूं मैं आपको लिविंग, डाइनिंग और किचन एरिया। BHK काफी यूनिक है, जैसे ही मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था और बताया था कि ये सिर्फ चार दीवार नहीं आपके सपनों से बनता है, तो इसका लिविंग डाइनिंग किचन भी वैसे ही डिजाइन किया है, जहां पर आपका हर एक छोटे से छोटा सपना पूरा हो सके। यहां से एंट्री करके तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, लेकिन ये स्पेस जो है वो काफी अच्छी तरह से यूनिकली डिजाइन किया हुआ है। ऑफ कोर्स थोड़ी छोटी साइज के अंदर है, 1910 स्क्वायर फीट का ये 3 BHK है, लेकिन प्रीमियमनेस और लग्जरी कहीं पर भी आपको कमी महसूस नहीं होगी। ये छोटा सा वेस्टिबुल स्पेस है, लेकिन यहाँ पर आप जो है टेंपल या फिर आपका पूजा मंदिर स्पेस XYZ कुछ भी आपको बनाना हो, ये स्पेस का यूटिलाइज करके अंदर आने के साथ ही आपको भगवान का दर्शन हो सके, वैसा 3 BHK है। सपना भी आपका वही था, मुझे पता था कि आपको अंदर आने के साथ ही सीधे आपके भगवान का या फिर पूजा स्पेस मिले, तो वो एक यूनिकली डिज़ाइन किया हुआ स्पेस है। आपका सपना पहला था वो यहाँ पर ही पूरा हो गया है, और ये है आपका लिविंग एरिया। ऑफ कोर्स काफ़ी स्पेशियस आपको फील करेगा जब आप अंदर आएंगे। 7-8 सीटर का सोफ़ा आप आराम से यहाँ पर लगा सकते हैं, सेंटर टेबल भी इतनी बड़ी साइज के अंदर लगा हुआ है, तो वो अभी आप एक बार फील कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं लग्जरी की, तो हम लग्जरी यानी काफ़ी बड़ा 3 BHK बार, काफ़ी बड़ा 4 BHK नहीं दिखाते, क्योंकि ऑफकोर्स वो तो दिखाते ही हैं, लेकिन ये 3 BHK उतना लग्जरी भी नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओ। ये ऐसा लग्जरी है जिसे आप अफोर्ड भी कर सकते हो। तो 3 BHK 1910 स्क्वायर फीट लोकेशन रहेगा आपका जोधपुर क्रॉस रोड से वॉकिंग डिस्टेंस पे, यानी सेटेलाइट एरिया। अहमदाबाद का एक ऐसा पोश एरिया है जहाँ पर ये 3 BHK बना हुआ है। कुछ ऐसे इस कॉर्नर को आप डिज़ाइन कर सकते हो जहाँ पर सेल्फ वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पर आप बुक्स वगैरह या फिर कुछ ऐसे डेकोर आइटम्स भी लगा सकते हैं। आर्टिफिशियल प्लांट अभी आपको दिख रहे हैं, लेकिन मैं मेरे हर एक वीडियो के अंदर आपको रेकमेंड करता हूँ या फिर इंसिस्ट करता हूँ कि आप नेचुरल प्लांट्स जो ओरिजिनल प्लांट्स है उसे इंडोर प्लांट्स लगाए घर के अंदर, ताकि आपको भी एक अच्छे वाइब्स मिलते रहें। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, आपकी एयर भी, आपका जितना भी पोल्यूटेंट है आपके घर के अंदर वो भी यहाँ से निकल जाएगा, तो काफ़ी सारे बेनिफिट, पॉजिटिव एनर्जी भी आपको मिलते रहेगी। यहाँ पर है आपका बालकनी स्पेस, वो भी मैं ज़रूर से आपको दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो के एंड में आपको थोड़ा कॉम्पैक्ट आपको फील होगा, क्योंकि यहाँ पर चेयर्स भी रखी हुई हैं, प्लांटेशंस भी हैं, और पीछे की साइड पे जो है थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पोजेशन जो है प्रोजेक्ट बेसिकली अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, 6-8 महीना लगेगा। 6-8 महीना ये मैं जब बात करता हूँ तो
मार्च अप्रैल 2025 तक आपको पजेशन भी मिल जाएगा। और ओवरऑल हाइट की बात करें प्रोजेक्ट की तो ऑलमोस्ट 9.5 feet का आपको हाइट भी मिल रहा है। सेटेलाइट जोधपुर लोकेशन ऐसा है कि जहाँ पर काफ़ी कम प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑलमोस्ट पुराने प्रोजेक्ट्स आपको काफ़ी मिलेंगे। एक खास चीज़ इस प्रोजेक्ट की जो कि बेनिफिट है ऑफकोर्स मेरे हिसाब से, क्योंकि आजू बाजू में जितने भी आप प्रोजेक्ट्स देखोगे वो सारे टेनामेंट हैं या फिर रो हाउसेस है, यानी लो राइज प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये वाला प्रोजेक्ट है हाई राइज, यानी आप अगर आप सर्टन फ्लोर के ऊपर आप जाते हो तो आपको 100% ओपन स्पेस मिल जाएगी। चारों टावर यानी चारों साइड से ये ओपन रहेगा। और ख़ास चीज़ दूसरी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले दिखाता हूँ ये किचन डाइनिंग एरिया, फिर अपने दो तीन खास चीज़ें इस प्रोजेक्ट की वो भी मैं आपको ज़रूर से दिखा दूंगा। 4-seater का डाइनिंग आप लगा सकते हो कुछ ऐसे, और यहाँ पर साउथिंग डेक भी आ जाएगा, ऊपर कुछ ऐसी लाइट्स वगैरह भी अरेंज कर सकते हैं। और मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था पूजा स्पेस मंदिर स्पेस स्टार्टिंग के अंदर, अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मुझे वो जो है वहाँ पर वेस्टिबुल एरिया के अंदर नहीं बनाना है पूजा स्पेस, तो यहाँ पर एक प्रॉपरली डिजाइन पूजा स्पेस भी मिल जाएगा। लुक एट दिस पूजा स्पेस आप कुछ ऐसे यहाँ बना सकते हो, डेकोर कर सकते हो, दरवाजे भी बंद करने हो तो कर सकते हो, क्योंकि कई बार पूजा स्पेस के अंदर ऐसा रहता है कि भाई हम मंदिर बनाते हैं और उसे डोर जो है क्लोज भी करते हैं। एक मिनट, ये भी नीचे डोर्स आपको मिल जाएंगे, अभी मेरे से ओपन नहीं हो रहे हैं लेकिन आपसे ज़रूर ओपन हो जाएंगे। 4-seater का डाइनिंग यहाँ पर है, सर्विंग डेक मूवीज़ वगैरह में जैसे आप देखते हो ना कि जैसे यहाँ पर किचन है, किचन से बनाए यहाँ पर सर्विंग सर्व किया, गेस्ट अगर आपके आए हुए हैं वो बैठे हैं तो सीधा यहाँ से गर्मा गर्म स्विगी जोमैटो करने की ज़रूरत नहीं है, इतना फ्रेश जो है आपको यहाँ पर खाना मिल जाएगा। आई शेप के अंदर किचन बना हुआ है, ऑफकोर्स थोड़ा स्पेस जो है आपको कम फील होगा 3BHK के हिसाब से, लेकिन जब हम घर की बात करते हैं तो 4 दीवारें काफ़ी नहीं होती है, सपने आपके सारे पूरे होने चाहिए। इस हिसाब से लग्जरी लेकिन अफोर्डेबल रेट के अंदर लिख रहे हैं, जहां पर आपका स्टव आ जाएगा, चिमनी आ जाएगा, स्टोरेज स्पेस आपको कहीं कम नहीं होगी, काफ़ी बड़ी साइज़ के अंदर स्टोरेज बड़े रैक ऊपर दिए हुए हैं, यानी आपका स्टोरेज जितना भी है ऊपर आ जाएगा। ऑफकोर्स यहाँ पर भी स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, योर स्टोरेज स्पेस, रेफ्रिजरेटर बड़ी साइज़ का भी लगाना हो 300-400 liter का तो भी ज़रूर से आप लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आई थिंक ये 400 liter के आसपास की कैपेसिटी वाला लगा हुआ है, आप स्पेस देख सकते हो। इससे भी थोड़ी बड़ी साइज़ के अंदर रेफ्रिजरेटर लगाना हो तो आप लगा सकते हो, सिंक भी दिया हुआ है अलग से। और ब्रांड ऑफकोर्स नॉर्मल ब्रांड्स आपको मिल जाएंगी, और ये रोटेशन वाला भी यहाँ पर सिंक दिया हुआ है। ये है आपका वॉशयार्ड भी ऑफकोर्स कंपेरेटिवली स्पेशियस दिया हुआ है, यहाँ पर आपका सारी वॉशिंग वगैरह आ जाएगा, वॉशिंग मशीन जो है वो रखने के लिए डेडिकेटेड अलग से स्पेस दिया हुआ है, और अगर आप डिश वॉशर वगैरह भी लगाना चाहो तो छोटा सा स्पेस है, आप अपने हिसाब से मैनेज करोगे तो वो भी अरेंज हो जाएगा। स्टोरेज भी यहाँ पर अलग से दिया हुआ है, तो वहाँ का जो जितना भी आपका छोटा मोटा स्टोरेज स्पेस है वो भी आप ज़रूर से कर सकते हो। तो ये था आपका लिविंग डाइनिंग और किचन एरिया, 3 bedroom से इसमें आपको तीनों बेडरूम्स भी, जल्दी से हम चलते हैं और दिखा देते हैं आपको तीनों बेडरूम जिसमें से 2 आपके मास्टर बेडरूम से, तो चलते हैं देखते हैं आपके बेडरूम। ये जो बेडरूम अभी आप देख रहे हो ये है इस 3BHK का सबसे छोटा बेडरूम। सबसे छोटा बेडरूम जब हम बात करते हैं तो कॉम्पैक्ट और आपका जो स्पेस जो है वो काफ़ी कम फील होता है, लेकिन यहाँ पर इस वाले बेडरूम में या फिर इस 3BHK के अंदर वैसा नहीं है। यहाँ पर जो है आप इस बेडरूम को किड्स बेडरूम या फिर आप अपने हिसाब से गेस्ट एक्टिविटी बेडरूम, गेस्ट बेडरूम वैसे ऑफकोर्स बना सकते हैं। इनका फर्नीचर है वो कुछ डिफरेंटली डिज़ाइन किया हुआ है, एक्टिविटी रूम के तौर पे यहाँ पर एक आपका प्रॉपर से
लाउंज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अगर कुछ टीवी यूनिट्स वगैरह लगा के या फिर कुछ भी एक्टिविटी करना हो तो वो ज़रूर से आप कर सकते हैं इस वाले बेडरूम के अंदर। या फिर इनके जितने भी ड्रॉवर्स से एक चीज़ मैंने नोटिस की तो आप ओपन पता नहीं कैसे कर सकते हैं इसका। कुछ इनके हैंडल्स आई थिंक लगाने बाकी हैं या फिर जानबूझ के इंटीरियर डिजाइनर ने हैंडल्स नहीं लगाए हैं, आई डोंट नो, बट ये ओपन नहीं हो रहे थे। वो जो पूजा रूम थे, पूजा स्पेस, इनके नीचे के भी ड्रॉवर्स ओपन नहीं हो रहे थे। एनीवेज, ये है आपका फर्स्ट बेडरूम किड्स एक्टिविटी या फिर गेस्ट बेडरूम है। स्पेस वाइज ऑफकोर्स ये आपको उतना कॉम्पैक्ट फील नहीं होगा, एग्जैक्ट डायमेंशन तो आपको नीचे मिल ही जाएंगे और यहाँ पर भी इस वॉल पे आपको छोटा बहुत डेकोर करके बना सकते हो। इसके अंदर आपको अटैच वॉशरूम नहीं है और हाइट जो जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो जब आप अंदर आओगे तो थोड़ा फील होगा। नॉर्मली 3 BHK अफोर्डेबल 3 BHK की बात करते हैं या फिर लग्जरी में भी आपको हाइट जो है थोड़ा कम मिलता है, यहाँ पर डिसेंट सा हाइट आपको मिल जाएगा। एज यूजुअल वहाँ पर अटैच वॉशरूम नहीं है लेकिन ये आ जाएगा आपका कॉमन वॉशरूम और कॉमन वॉशरूम भी ऑफकोर्स थोड़ा कॉम्पैक्ट है। सिंक है, कमर्ड है और यहाँ पर शावर स्पेस भी दिया हुआ है। शावर स्पेस थोड़ा सा छोटा है लेकिन कॉमन के अंदर नॉर्मली ऐसा ही आपको मिलता है। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 मास्टर बेडरूम है, दोनों स्पेशियस है। तो चलते हैं पहले ये वाले मास्टर बेडरूम के अंदर और देखते हैं कि क्या साइज के अंदर ये आपका मास्टर बेडरूम मिलता है। ऑफकोर्स स्पेशियस तो आपको मिलेगा ही और जहाँ पर किंग साइज बेड आपको लगाना हो तो आराम से आप लगा सकते हैं। और मेनली जो चीज़ आप देखते हो आपके घर के अंदर आपके सपनों का यानी सारे सपने जो है वो पूरे होने चाहिए, तो उस हिसाब से फर्स्ट आपका बेडरूम था वहाँ पर आपके बच्चों का जो कुछ भी नीड्स है वो वहाँ पर अरेंज हो जाएगी। एक्टिविटी हो गई, गेस्ट भी अगर आते हैं आपके वहाँ पे तो उनका भी अरेंजमेंट या फिर वो भी सेटिस्फाइड होंगे। ये रहेगा आपका मास्टर बेडरूम जहाँ पर अगर आपकी फैमिली में 2 ब्रदर्स हैं या फिर आपके फादर और जो सन है वो ऑलमोस्ट ऐसा चाहते हैं कि भाई हमें बड़ा स्पेशियस मास्टर बेडरूम चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। किंग साइज बेड तो लगा हुआ है, वार्डरोब के लिए भी जगह दिया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वाले वार्डरोब के अंदर हैंडल्स लगे हुए हैं ताकि हम ओपन कर पाए। ये कुछ चीज़ जो है यूनिक है, जैसे वो फोल्ड हो सकता है इस वजह से है या किस वजह से, आई डोंट नो, बट यहाँ पर भी ऐसे दिए हुए हैं। वो एक डिज़ाइन का पार्ट है, अगर ये चीज़ आपको निकालनी हो तो यहाँ से फिट हो सकती है, ऐसा कुछ है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग द थिंग्स। तो ये है आपका मास्टर बेडरूम जहाँ पर वार्डरोब स्पेस आपको काफ़ी बड़ी मिल रही है। और दो चीज़ खास, एक तो यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया हुआ है, दूसरा विंडो भी आपको यहाँ पर भले छोटा सा विंडो है लेकिन आपको विंडो मिल रहा है। 2 विंडो इस मास्टर बेडरूम के अंदर मिल रहे हैं, ऑफकोर्स स्पेशियस है। और ड्रेसिंग आपका स्पेस है वो पूरा यहाँ पर अरेंज हो गया, यानी यहाँ पर आपके मिरर आ गए हैं, लाइटिंग भी यहाँ पर आपका अलग से सेट हो गया, तो आपका ड्रेसिंग का स्पेस आपको कहीं और लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला प्रॉपरली ऑक्यूपाई हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका अटैच वॉशरूम। डेल्टा करके कंपनी है जिनके फिटिंग्स यहाँ पर लगे हुए हैं, जगुआर के आसपास का ब्रांड होगा, आई डोंट नो, डेल्टा नाम नहीं सुना है तो मैं कुछ कमेंट ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन डिसेंट सा आपको शावर स्पेस मिल जाएगा। सिंक भी दिया हुआ है सिंपोलो का और ये रहेगा आपका कमर्ड स्पेस। और ये भी कुछ ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है आपके वॉशरूम के अंदर। तो ये था आपका वॉशरूम, बेड, वार्डरोब, अटैच वॉशरूम मिल गया। इससे इनके अलावा आपको क्या चाहिए आपके बेडरूम के अंदर, आई डोंट थिंक सो कि आपको और कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। जो चीज़ें आपको ज़रूरत है आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। यह है आपका सेकेंड मास्टर बेडरूम, वो वाले मास्टर बेडरूम से थोड़ा छोटा है लेकिन स्पेस आपको कहीं पर भी कमी फील नहीं होगी, काफ़ी स्पेशियस ऑफकोर्स फील करोगे। हाइट जैसे मैंने आपको बताया था, हाइट तो आपको मिल ही रही है, इन साइज बेड लगा हुआ है, वो तो भी यहाँ पर मिल जाएंगे और इसमें भी आपको हैंडल्स दिए हुए हैं। साइज ऊपर का जो है आपके बेडरूम के ऊपर की साइज पे तो वो भी काफ़ी स्पेशियस है। इनफैक्ट ये वाले वार्डरोब के अंदर भी स्ट्रेंथन करने के लिए या फिर पता नहीं यहाँ पर भी वो चीज़ दी हुई है, कुछ आई थिंक स्ट्रेंथन के लिए ही दिया होगा आई गेस। तो अगर आपको भी पता है कि वो चीज़ यहाँ पर जो है डाल के दे रहे हैं वो क्या है,
आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी साइज़ के अंदर वार्डरोब दिया हुआ है। इस वाले बेडरूम में भी आपको दो विंडो मिल रही है, एक है यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर वार्डरोब मिल जाएगा। टीवी यूनिट वगैरह भी आपको लगाना हो तो लगा सकते हैं। वुडन थीम बेस ये पूरा बेडरूम डिज़ाइन किया हुआ है। ऑफकोर्स जो कुछ भी चीज़ें अभी आप देख रहे हो वो अनफर्निश आपको मिलेगा, कुछ भी आपको मिलेगा नहीं अनफर्निश, यानी आपको बेहतरीन कंडीशन में मिलेगा। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पज से है। यहाँ पर आ जाएगा आपका अटैच वॉशरूम। ऑफकोर्स ये जो है स्पेस है ऑलमोस्ट सेम साइज का है जहाँ पर हमने वो देखा था, साइबर स्पेस आ गया, कमोड आ गया, आपका सिंपोलो का सीट स्पेस भी आ गया। मेरा कुछ बड़ा इतना लगाना हो तो आप आराम से लगा सकते हैं। तो ये था बेसिकली आपका प्रेजेंटेशन पूरे 3 BHK यानी तीनों बेडरूम्स का। अब बालकनी के साथ साथ कुछ और स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं इस 3 BHK। अभी मैं बैठा हुआ हूँ आपके स्पेशियस बालकनी के अंदर। आपको स्पेस जो है थोड़ी कॉम्पैक्ट दिख रही होगी, इनफैक्ट ऐसी है नहीं कॉम्पैक्ट, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी चेयर्स यहाँ पर दो लगाई हैं, दो बड़े से प्लांट्स भी लगाएं, उस वजह से शायद आपको थोड़ा कॉम्पैक्ट फील होगा, लेकिन ओवरऑल डिसेंसी साइज के अंदर आपको बालकनी भी मिलती है। और यहाँ से जो व्यू मिलेगा आपको वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो मैं ज़्यादा चीज़ें आपको दिखा नहीं पाऊँगा, उनके लिए मैं प्रेफर करता हूँ, रेकमेंड करता हूँ, तो एक बार आप आ जाओ साइट विजिट पे, सेटेलाइट जोधपुर लोकेशन पे आके आप कॉल करो कि विजिट करना है पंकज भाई, वो जो पुराना ट्रेंड चला था इंस्टाग्राम के अंदर, आ जाओ दिखा दूंगा। वैसा थोड़ा मुझे लाइंस याद आ गई तो मैंने आपको बोल दी। तो ये है बेसिकली आपका 3 BHK। अब इस 3 BHK की कुछ स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बताता हूँ। 6-8 महीने में पजेशन मिल जाएगा, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। जोधपुर क्रॉस रोड यानी सेटेलाइट क्रॉस रोड से ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट रहेगा, यानी नियर बाई लोकेलिटी भी आपको पता चल ही गई होगी अगर आप अहमदाबाद में रहते हो। नहीं भी पता चली तो एक बार आ जाओ लोकेशन देख लो ताकि आपको पता चल जाएगा। 1910 square feet की साइज़ है, 3 and 4 BHK का ये प्रोजेक्ट है। अभी जो हमने देखा 3 BHK का सिंपल हाउस, सर्टेन यूनिट्स जो हैं वो अभी अवेलेबल हैं। प्राइसिंग की हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि प्राइस जो है वो वेरी करता रहता है, तो मैं अभी कुछ प्राइस बताऊँ, कल कुछ अलग प्राइस हो तो वो डिस्प्यूट के अंदर ना जाते हुए हम प्राइस नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं। लेकिन यूनिक चीज़ मैं बताऊँ, 70% इस प्रोजेक्ट की स्पेस जो है वो ओपन है। ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया के अंदर ही कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, वो भी एक अच्छी चीज़ है आपके इस 3 BHK की। और बाकी सारी चीज़ें यानी चारों साइड से ओपन ये 3 BHK है, काफ़ी सारी चीज़ें। मैं ज़रूर से एक बार फिर से आपको रेकमेंड करता हूँ कि आओ विज़िट करो ये 3 BHK का साइट। और अगर आप जो है दूसरे वीडियोस भी हमारे देखना चाहते हैं 4 BHK 2 BHK लग्जरी फार्म हाउस वगैरह, तो आपको यहाँ पर या फिर यहाँ पर आपको वीडियोस भी दूसरे मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाके वो वीडियो देख लो। थैंक यू वेरी मच।